प्रिमेटिव रिफ्लेक्सेस और वेस्टिबुलर सिस्टम कैसे कनेक्टेड है कैसे ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और अगर बॉडी में रिटेन्ड रिफ्लेक्सेस हैं अगर प्रिमेटिव रिफ्लेक्सेस रह जाते हैं तो कैसे वेस्टिबुलर इश्यूज आ सकते हैं वेस्टिबुलर प्रोसेसिंग डिसऑर्डर आ सकते हैं ये सभी बातें इस वीडियो में हम समझेंगे हाय मेरा नाम ऋचा जैन है वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटी तो सबसे पहले हम जानेंगे रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस और प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के बारे में प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं जब बच्चा जेस्टेशन पीरियड में होता है पेट में होता है तब वो प्रेजेंट होते हैं फॉर द सर्वाइवल एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी बर्थिंग में वो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हेल्प करते हैं और जब तक बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता टिल द एज ऑफ 1 ईयर बच्चे को सपोर्ट करने के लिए और बच्चे को हेल्प आउट करने के लिए सर्वाइवल के लिए ये प्रेमेटिव रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं और जैसे ही बच्चे का अपनी बॉडी पे कंप्लीट कंट्रोल आता है बच्चा इंडिपेंडेंटली वॉक करना स्टार्ट कर देता है ये चले जाते हैं बट अगर ये एक साल से ऊपर की एज में रह जाते हैं या टाइमली अपना काम नहीं करते या टाइमली नहीं आते और नहीं जाते तो वो बॉडी में रह जाते हैं जिसकी वजह से इश्यूज आते हैं और एंड नंबर ऑफ सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज आते हैं तो आज हम वेस्टिबुलर सेंस के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे कौन-कौन से रिफ्लेक्सेस हैं अगर रिटेन्ड रह जाते हैं तो हमारा वेस्टिबुलर सेंस में इश्यूज आते हैं ये जानना बहुत जरूरी है ताकि हमें पता चले कि मेरे बच्चे का वेस्टिबुलर इशू तो है लेकिन वो किस रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्स की वजह से है तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें वेस्टिबुलर सेंस से रिलेटेड चार चारेटिव चार मेन प्रमेटिव रिफ्लेक्सेस हैं मोरो रिफ्लेक्स टोनिक लेब्रिंथाइन रिफ्लेक्स असिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स एंड सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स तो ये चार रिफ्लेक्सेस हैं जो कि वेस्टिबुलर सेंस से रिलेटेड हैं जिसकी वजह से वेस्टिबुलर इश्यूज आते हैं बच्चे वेजिटिबुलर सेंस के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस दो पार्ट्स में डिस्कस किया क्या होता है क्या उसका प्रोसेस होता है आप वो प्रीवियस वीडियोस जाकर आप मेरे चैनल पर फोल्डर देखेंगे ये पूरी सीरीज है वहां पर सभी वीडियोस आपको मिल जाएगी सो दिस इज पार्ट थर्ड तो वेजटिबुलर सेंस क्या होता है सेंस ऑफ मूवमेंट बॉडी अवेयरनेस एंड हाउ वी बैलेंस आर बॉडी इन एन अपराइट पोजिशन सीधा खड़ा होना हेड को स्टेबल रखना और हेड में आईज को स्टेबल रख पाना

कौन चार चारिटेटिव रिफ्लेक्सेस हैं जिनसे विजुअल सेंस वेस्टिबुल सेंस वेस्टिबुलर में आपको इश्यूज आ सकते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मोरो रिफ्लेक्स की ठीक है मोरो रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स जो है आ, बेसिकली इट्स अ जैसे ही आप सडन मूवमेंट या सडन कोई भी चीज बच्चे को सडन साउंड हुई सडन एकदम से बहुत तीखी ब्राइट लाइट आई एकदम से आपने शेक किया तो बच्चा क्या करेगा रोना और जोर से रोना और देन सेकंड क्या होगा एकदम से जो भी उसका मम्मी पापा या जिसकी भी पास है या जो भी चीज है एकदम से कस के पकड़ लेना सो दिस इज रिफ्लेक्स ठीक है तो मोरो रिफ्लेक्स जैसे ही सडन हेड मूवमेंट हुई सडन आपने बच्चे को मूवमेंट दिया बच्चा एकदम से रोएगा चिल्लाएगा ताकि जो पेरेंट्स हैं उनको पता चले या जो भी केयर गिवर है उनको पता चले कि बच्चे को कोई इश्यू है और वो भाग कर आते हैं और बच्चा उनको कसकर पकड़ लेता है सो मोरो रिफ्लेक्स इज अबाउट सेंस ऑफ मूवमेंट फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन कितनी स्पीड से मूवमेंट अगर बहुत सडन जर्की है, बहुत तेज आप कुछ कर रहे हैं तो मोरो बर्थिंग में जैसे ही लेबर का प्रोसेस स्टार्ट होना होता है जैसे कहते हैं ना बच्चा ब्रीच में ब्रीच इस तरह से हॉरिजोटल और हेड डाउन पोजिशन इज दिस तो मोरो रिफ्लेक्स की वजह से ही बच्चा हेड डाउन पोजिशन में आता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी ही नोज की अब लेबर आने वाला है या टाइम इज कमिंग और बच्चा हेड डाउन पोजिशन में आ जाता है ठीक है तो मोरो रिफ्लेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट तो आपने जाना मोरो रिफ्लेक्स सडन मूवमेंट की वजह से एक्सेलरेशन और स्पीड को डिटेक्ट करता है एंड इट एक्टिवेट्स द सेकेंड थिंग जो मोरो रिफ्लेक्स है तो दैट इज अ अंपथेटिक नर्वस सिस्टम सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है फ्लाइट एंड फाइट सिस्टम है हमारा अगर वो है तो बहुत ज्यादा एंजाइटी स्ट्रेस फियर्स बच्चे को रहेंगे और उसी की वजह से बच्चे को हाइपो सेंसिटिविटी और हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है तो सेंस ऑफ मोशन मोशन में क्या है स्पीड ऑफ मोशन कितना स्पीड से है वो डिटेक्ट कर रहा है ठीक है और पैरासिंपथेटिक और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम कि बैलेंस बना के रख रहा है अगर आ, मोरो है है नर्वस नर्वस सिस्टम सिस्टम होगा सिस्टम है, तो फ्लाइट एंड फाइट मतलब बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी में है जिसकी वजह से सीकिंग और अवॉइडिंग बिहेवियर आएंगे मोशन सिकनेस बच्चे को हो सकती है अः बच्चे को बहुत ज्यादा नोजिएटेड डिजीनेस फीलिंग हो सकती है तो ये होता है मोरो रिफ्लेक्स है। अब नेक्स्ट जो रिफ्लेक्स हमारा मेन रिफ्लेक्स मतलब आ, रहता है दैट इज टोनिक रिफ्लेक्स ठीक है अब टोनिक लेब्रंथाइन रिफ्लेक्स जिसको हम बोलते हैं टी एल आर अगर मैं टीएलआर की बात टीएलआर में क्या होता है वो हमें आ, इस पोजिशन में होता है लाइक दिस एंड दिस फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ठीक है तो अगर फ्लेक्शन है तो हेड डाउन होगा हैंड ऐसे होंगे तो हेड डाउन हैंड ऐसे होंगे हैंड ऐसे, ठीक है तो दिस इज टीएलआर तो टीएलआर इज बेसिकली व्हाट आप देख रहे हैं अप एंड डाउन पोजीशन ऑफ नेक ठीक है अप एंड डाउन पोजीशन ऑफ द नेक है तो जैसे ही क्योंकि हमने बात किया था प्रीवियस वीडियोस में कि जैसे ही हेड मूवमेंट होगी हमारा इनर ईयर एक्टिवेट हो जाएगा ठीक है इनर ईयर में हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम है तो नेक से रिलेटेड है हेड मूवमेंट से रिलेटेड है अप एंड डाउन मूवमेंट होगी तो हमारा इनर ईयर एक्टिवेट होगा वेस्टिबुलर एक्टिवेट होगा ठीक है सेकेंड थिंग जो TLR है, टोनिक लेब्रेंथाइन रिफ्लेक्स है टीएलआर है जैसे टोनिक लेब्रेंथाइन, तो लेब्रेंथाइन इज द नेम ऑफ द रिफ्लेक्स तो ये हमारे जो इनर ईयर में लेब्रिंथाइन है उस उसको एक्टिवेट करता है सो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड से तो उसमें क्या होगा अगर ये जैसे ही मूवमेंट होती है अप एंड डाउन मूवमेंट तो हमारा वेस्टिबुलर रिफ्लेक्स को ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है कि जैसे ही हेड मूवमेंट और नेक मूवमेंट हुई हमारा वेजिबुलो ऑक्युलर रिफ्लेक्स जो पाथवे है वो एक्टिवेट हो जाएगा एंड दैट हेल्प्स इन कि हमारा विजन को तो टीएलआर में अगर इशू है तो वेस्टिबुलर सिस्टम में इशू होगा और हमारा जो वॉर वेजटिबुलो ऑक्युलर रिफ्लेक्स है वहां पर इशू होगा और विजुअल परसेप्शन बच्चे की अच्छी नहीं होगी वीक मसल टोन होगी पोअर पोस्चर होगा जिसकी वजह से ग्रोस मोटर एक्टिविटीज बच्चे को परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होगा ठीक है तो ये है टीएलआर के बारे में जैसे ही नेक मूवमेंट है इस तरह की हमारा इनर ईयर में इनथाइन से ये रिलेटेड है डायरेक्टली विल डिटेक्ट द मूवमेंट और फिर वो एक्टिवेट होगा और वो ब्रेन स्टेम एंड ये सारा जो सिस्टम होता है रिफ्लेक्स का कहा से कोऑर्डिनेटेड होता है ब्रेन स्टेम क्योंकि प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस कहां होते हैं ब्रेन स्टेम में ठीक है सो दिस इज टीएलआर द नेक्स्ट जो दो रिफ्लेक्सेस हैं वो हैं एटीएनआर एंड एसटीएनआर अब एटीएनआर और एसटीएनआर अगर मैं बात करूं टीएलआर विजुअल वेस्टिबुलो ओकुलर रिफ्लेक्स को एक्टिवेट करता है एंड एटीएनआर और एसटीएनआर वीएसआर को एक्टिवेट करते हैं वेस्टिबुलो स्पाइनल रिफ्लेक्स ठीक है कि हमारी जैसे ही कोई मूवमेंट हुई तो हमारी बॉडी को काउंटर मूव बैलेंस करने के लिए कौन कौन सी मसल्स यूज होंगी कैसे हम लोगों को अपराइट पोजीशन में खड़ा होना है ये किसका काम है ए टी एनआर और एस टी एनआर थ्रू वेस्टिबलो स्पाइनल रखना किसका काम है टीएल का ठीक है टोनिक लेबर रिफ्लेक्स अब बात करेंगे हम ए टी क्या होता है अवेयरनेस ऑफ टू साइड ऑफ द बॉडी लेफ्ट एंड राइट अगर बच्चे को इसका प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है दैट मीन्स एटीएनआर रिफ्लेक्स रिटेन्ड है एटीएनआर कैसे एक्टिवेट होता है एटीएनआर दैट इज ऑन ऑल फोर आप uh, और उसके बाद लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट को डिटेक्ट करता है ठीक है आपकी जैसे ही नेक मूवमेंट ऐसे और इधर लेफ्ट एंड राइट की तरफ होगी देन आर एटीएनआर विल बी एक्टिवेटेड ठीक है अब एटीएनआर अगेन हेड मूवमेंट है तो हमारा वेस्टिबुलर न्यूक्लिय एक्टिवेट होगा बट उसमें क्या है हमारा जो टीएल है दैट इज रिलेटेड टू को एक्टिवेट करेगा एंड दैट इज मेजरली आर नेक मूवमेंट ठीक है एंड नेक एंड स्पाइनल तो हमारा वेजिटेबलो स्पाइनल रिफ्लेक्स को अफेक्ट करता है अब इससे अगर एटीएनआर uh, uh, अगर रिटेन है तो हमें अवेयरनेस नहीं होगी टू साइड्स ऑफ बॉडी तो बच्चा एक साइड को ज्यादा फेवर करेगा और दूसरी साइड से सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा जिसकी वजह से बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में इश्यूज आएंगे स्पाइनल मसल्स जो हैं रिएक्ट नहीं कर पाएंगी तो बॉडी अपराइट पोजीशन में नहीं रह पाएगा बच्चा और जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट्स जो है फाइन मूवमेंट्स नहीं होंगी ग्रोथ मोटर स्किल्स में इश्यूज आएंगे जो लास्ट रिफ्लेक्स है दैट इज एस टी एन आर सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स अब टीएलआर एटीएनआर और मोरो अगर मैं बात करूं दे आर प्रेजेंट इन द वूम जेस्टेशन uh, पीरियड में भी है बर्थिंग में हमें हेल्प करते हैं और सर्वाइवल uh, में हेल्प करते हैं बट एस टी एन आर इज द रिफ्लेक्स जो कि एट द एज ऑफ सिक्स मंथ आता है इमर्ज होता है वो बाय बर्थ नहीं होता और वो हमें हेल्प आउट करता है इन द क्रॉलिंग इन वॉकिंग चलने में हेल्प करता है क्रॉल करने में हेल्प करता है एंड दिस इज रिलेटेड टू आर नेक मूवमेंट अगेन अपर बॉडी और लोअर बॉडी अपर बॉडी और लोअर बॉडी को इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करने में हेल्प आउट करता है ठीक है तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स जिससे हम क्रॉलिंग करते हैं वॉकिंग करते हैं साइकिलिंग में दैट हेल्प्स अगर है तो हमें इन सब चीजों में इश्यूज आएंगे ठीक है और हमारा जो हेड कंट्रोल आता है कि अगेंस्ट ग्रेविटी की ग्रेविटी के अगेंस्ट हमारे हेड पोस्चर और नेक पोस्चर को सही रख पाना वो STNR की 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 वजह से आता है। STNR, basically, अगर मैं बात करूं, it's a divergence and convergence. दूर चीजों चीजों को पास की को, पास uh, जैसे एटीएनआर में हमने लेफ्ट एंड राइट का डिस्क्रिमिनेशन बात किया है एंड uh, जो एस टी है वो दूर की और पास की चीजों को एंड वर्टिकल विजुअल इंटीग्रेशन को हम लोग मानते हैं अब ए और एस भी विजुअल सेंस से रिलेटेड है लाइक uh, like अगर मैं एटीएनआर रिफ्लेक्स रिटेन है तो वट विल हैपन कि हो सकता है मैं राइट right को ज्यादा फेवर कर रही हूँ बट मैं लेफ्ट की चीजों को ट्रैक नहीं कर पा रही हूँ तो विजुअल सेंस उससे भी हैम्पर होगी और एस टी एनआर से भी हैम्पर होगी क्योंकि मैं दूर की चीजों को पास आ रही हैं तो उसको ट्रैक नहीं कर पा रही या पास की चीजें दूर जा रही हैं तो उसको ट्रैक नहीं कर पा रही ठीक है थीके? तो दीज ऑल आर एंटेंगल्ड ठीक है

एक छोटा सा हमारा पार्ट है आर ए एस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो कि फिल्टर आउट करता है अनवांटेड डाटा को अगर एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है हम उसको फिल्टर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर काम करने के लिए मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन सेंसरी इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे एनवायरमेंट से तो मैं सब चीजें ले रही हूं मैं उसको फिल्टर नहीं कर पा रही हूं तो ब्रेन में प्रोसेसिंग में गड़बड़ होगी ठीक है इस एक मैंने बहुत ही Uh, अगर मैं बात करूं, रियली आई लाइक दैट वीडियो मैंने लाइव एग्जांपल के साथ आपके साथ वो वीडियो शेयर किया है कि कैसे हमारा सेंसरी सिस्टम uh, अगर ओवरलोडेड है तो क्या होता है वो वीडियो एक शॉर्ट वीडियो है चार मिनट की है लेकिन आपको तो उससे अपने बच्चों की सिचुएशन समझ में आएगी उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी आप प्लीज वो जाइए और समझ पाएंगे कि क्या मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ यहाँ पे तो वो अगर आ रहे हैं सही से फिल्टर नहीं कर पा रहा है आई एम अब्सॉर्बिंग ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट तो मेरा ब्रेन में केओस हो जाएगा एंड दैट विल बी ओवरलोडेड सेंसरी ओवरलोड हो जाएगा एंड मैं डाटा को अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाऊंगी तो मेरा आउटपुट अच्छे से जनरेट नहीं हो पाएगा ठीक है तो आरएस कहा है ब्रेन स्टेम में ब्रेन स्टेम स्टेमेर है तो आर एस सही से फंक्शन नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस रिफ्लेक्सेस हैं हैं और वेस्टिबुलर रिलेटेड कौन कौन से मोरो एंड रिटेन तो इन चारों की रिटेंशन के लिए हमें चेक करना है अब बात आएगी मैं कैसे चेक करूंगी इसको तो आप मेरे चैनल पर प्रिमिटिव रिफ्लेक्स फोल्डर में जाएंगे वहां पर हर रिफ्लेक्स की एक प्रॉपर वीडियो है कि क्यों वो रिफ्लेक्स होता है क्यों कैसे वो हेल्प आउट करता है कैसे उसको चेक करना है और क्या क्या एक्टिविटीज हमें परफॉर्म करनी है उसको इंटीग्रेट करने के लिए वो पूरा डिटेल वीडियो है आप इन चारों की वीडियोस उस फोल्डर में जाकर देख सकते हैं ताकि आप अपने बच्चों के साथ काम कर पाए और बिलीव uh, मी अगर ये चारों रिफ्लेक्स की आप एक्टिविटीज करते हैं तो वेस्टिबुलर सिस्टम अपने आप एंगेज होगा क्योंकि हेड मूवमेंट्स हैं, 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 हैं नेक मूवमेंट्स हैं तो ऑब्वियसली ये हम वेस्टिबुलर सेंस पे अपने आप काम कर रहे हैं उसमें ठीक है तो दिस इज अबाउट क्लियर हुआ होगा और अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए ताकि मुझे पता चले कहाँ पर डाउट है और क्या मैंने मिस किया आपको वीडियो में बताना ताकि मैं नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में वो चीजें क्लियर कर पाऊ ठीक है तो दिस इज वन थिंग अब एक बार हम लोग ब्रीफ लेते हैं हमारा इनर ईयर एक्टिवेट होता है इनर ईयर कहां डाटा भेजता है ब्रेन स्टेम में किससे भेजता है वेस्टिबुलो फिर डाटा कहा ब्रेन uh, स्टेम से टू वे कम्युनिकेशन कहा होता है हमारे कॉर्टेक्स में ब्रेन में थेमस में सेरेबिलम में और VOR, वी ओ आर जो ऑक्यूलर स्किल्स में हमने बात करी एंड वेस्टिबुलो स्पाइनल की स्पाइनल रिएक्शन क्या आएगा तो यहां पर हमने कवर किया अबाउट ब्रेन स्टेम ठीक है तो ब्रेन स्टेम के बाद हम लोग कवर करेंगे वीओ आर वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स को वीएसआर को और को ताकि हमें स्टेप बाय स्टेप समझ में आए कि कहां पर क्या इश्यू होने से क्या प्रॉब्लम आएगी और उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है रिटेन्ड रिफ्लेक्सेस हैं तो आपने रिफ्लेक्स का असेसमेंट करना है टेस्ट करना है और उसकी एक्टिविटीज फॉलो करनी है एंड यू विल सी अ गुड रिजल्ट आई होप दिस इज अ वेरी क्लियर मैसेज टू ऑल ऑफ यू एंड आपको इससे हेल्प मिलेगी सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल कीप लाइकिंग कीप शेयरिंग कीप कमेंटिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड देयर इज अ न्यू फीचर ऑन यूट्यूब डॉलर का साइन है अगर आप मेरे कंटेंट को एप्रिशिएट कर रहे हैं और आपको वो यूजफुल लग रहा है बिकॉज दिस नॉलेज इज रियली फ्री ठीक है आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग बट येस फॉर द एप्रिसिएशन सेक यू कैन सेंड सुपर थैंक्स ऑन एनी वीडियो यू लाइक Thank you so much.